जम्मू कश्मीर के पूंछ में 20 अप्रैल गुरुवार को ईद के लिए फल और सब्जियां लेकर जा रहे सेना के वैन पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। ग्रेनेड से ब्लास्ट के बाद आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया था। 5 जवान भी शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने घाटी में आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया है। पिछले बुधवार से लेकर अब तक यानी 3 से 6 मई तक माछिल, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी और करहमा कुंजर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। राजौरी के कांडी इलाके में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे से एनकाउंटर चल रहा है। इसमें आतंकियों की तरफ से एक ब्लास्ट में सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। एक आतंकी भी मारा गया है। यह एनकाउंटर अभी भी जारी है। इसके अलावा बारामूला में करहमा कुंजर में आज यानी शनिवार सुबह 4 बजे से सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। अब तक एक आतंकी मारा गया है और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये वही आतंकी है जो पूंछ में सेना के ट्रक पर हुए हमले में शामिल थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।